जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस अभी जो वीडियो लेके आएंगे यह फायरमैन की भर्ती को लेके वीडियो है। आपकी मोस्टली अभी एएससी की जो फॉर्म अप्लाई हुए थे जिसकी लास्ट डेट 2 तारीख थी उसको लेके है, लेकिन अभी रिसेंटली एक भर्ती चल भी रही है जो उड़ीसा में चल रही है, गोलकुंडा में, आपको सभी को पता है आर्मी एयर डिफेंस की, उसको लेके मैं आपको अपडेट दे दूंगा क्योंकि वो अपडेट देना बहुत जरूरी है। जो भी दोस्त फायरमैन की भर्ती देखना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको अपडेट होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, मतलब सारी बातें आपको बताऊंगा। सिलेबस को लेकर भी काफ़ी दोस्तों को डाउट था, कुछ दोस्त बोल रहे थे ट्रेड टेस्ट सर हमारे को थोड़ी बहुत फायर की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी बता दो। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी क्या है, अभी जो उड़ीसा में भर्ती चल रही है ना उसको लेके मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। मेरे दोस्तों काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे सर फिजिकल कैसा हो रहा है, क्या रनिंग हो रही है, और देखो उसको लेके मैंने वीडियो बना दी थी ऑलरेडी, जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए उनको पता भी है, मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूँ। लेकिन जो दोस्त अभी आए हैं तो वो पीछे की वीडियो देख लेना, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी इसी भर्ती की बात करूँ मैं जो अभी उड़ीसा में चल रही है जिसके अभी कल से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, तो काफ़ी दोस्तों को ये डाउट थे भाई रनिंग कितने टाइम में होगी, क्या 1600 मीटर होगी नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ रनिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, लेकिन डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रिक्टली चेक किए जा रहे हैं। आपने जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद रनिंग तो है नहीं, सबसे मुश्किल जो टफ कंपटीशन हो रहा है फायरमैन की भर्ती में, क्योंकि जो एओसी की भर्ती हुई थी ना जो 64 kg वाला कट्टा उठाने वाला था वो अभी रूटीन बन चुका है। आपको हर भर्ती जो फायरमैन की हर कोई भी भर्ती होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी दोस्तों को रहता है सर वजन उठाने में हेल्प की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ना तो एओसी में हेल्प करते ना इसमें आर्मी एयर डिफेंस में आपकी हेल्प की जा रही, आपको खुद ही उठाना है 64 kg का, कोई 65 भी बता रहा है कोई दोस्त, मैं आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो वो 64 kg का ही कट्टा है, तो उसके उठाने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप फायरमैन की भर्ती देखना चाहते हो तो, वरना कोई फायदा नहीं है। आपकी रनिंग चाहे आप 4.5 मिनट में कर रहे हो 1600 मीटर, अगर आपसे कट्टा नहीं उठाया जा रहा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना रनिंग के साथ साथ। जो भी दोस्त है बाकी एसी वाले में भी रनिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, रनिंग वगैरह नहीं मांग रखी, लेकिन वजन वो दे रखा है। अभी क्या है, जो अभी ये उड़ीसा में भर्ती चल रही है ना इसमें मैक्सिमम बच्चे वजन उठाने में आउट हो रहे हैं, अगर 25-25 बंदों का ग्रुप दौड़ाया जा रहा है, 25 बंदे एक साथ लाइन में खड़े करके विसल मार दी जाती है, फिर कट्टा उठा के आपको दौड़ना है 183 मीटर आपको दौड़ना है 96 सेकेंड में, तो वो क्या है 25 में से 5 ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 ही बच्चे लास्ट तक पहुंच पा रहे हैं, कोई उठा ही नहीं पाता, कोई रस्ते में गिरा देता है। तो ये आप अपनी तैयारी करके जाना, रॉप क्लाइंबिंग चलो इतनी हार्ड नहीं है आप कर लेते हैं, और बाकी कोई इसमें हाइट, और हाइट तो जिसकी सभी को पता ही है मेरी हाइट कितनी, थोड़ी सी चेस्ट में भी जिस दोस्त की चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रही तो उसको भी दिक्कत हो रही है, तो यही मेन बातें हो रही है इस भर्ती में। अभी जिस दोस्तों ने एएससी की फॉर्म अप्लाई किया ना तो वो अपने पहले से तैयारी कर लेना, क्योंकि किराया लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप बैंगलोर तक भर्ती देखने जाओगे सेंटर तक, वहाँ पे आपसे फिजिकल होगा नहीं, तो बहुत मतलब आप पैसे वेस्ट कर रहे हो और आपका अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तो आप पहले ही तैयारी कर लेना आप कट्टा वगैरह उठाने की। मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो देख लेना, मेरा उस टाइम अभी तो चलो थोड़ा सा मेरा वेट मतलब ज़्यादा भी हो गया है, लेकिन जिस टाइम मैं वेट जो कट्टा उठाने वगैरह प्रैक्टिस करा रहा था तो उस टाइम मेरा वेट 62 kg था और मैं लगभग 65 kg का कट्टा आराम से उठा लेता था, तो आप वो वीडियो देख लेना कैसे उठाना है कैसे नहीं। लड़की तक उठा रही है जो 50 kg का कट्टा, तो लड़कियां भी उठा रही है, तो आप वो देख लेना जिससे आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, भाई मैंने तरीका बता रखा है आपको कहाँ पे वजन को कहाँ पे लेके आना है फिर कहाँ पे लेके जाना है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना जो एओसी के टाइम भर्ती के टाइम मैंने तैयार की थी, उसमें फिजिकल जो भी फायरमैन की फिजिकल है उसका पूरा बायोडाटा दे रखा है, भाई कैसे कैसे रॉप क्लाइंबिंग करनी है हाथ पैर लगा के। और अभी कुछ दोस्तों को ये भी डाउट रहता है सर ये फायरमैन की भर्ती आर्मी की है कि नहीं है, परमानेंट है कि नहीं, तो आपको बता देता हूँ ये आर्मी की भर्ती है लेकिन ये सिविल जॉब है, सिविलियन बोले जाते हैं, और ये परमानेंट जॉब है, 60 साल तक जो जिसकी सर्विस बोलते हैं वही भर्ती है, तो आप ये मत सोचना कि निवीर की तरह नहीं है आपकी परमानेंट भर्ती है, लेकिन इसमें पेंशन नहीं है भाई दोस्तों, बाकी सारी सुविधाएं मिलने वाली है, एक लिक्विड कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा जो ग्रोसरी कार्ड होता है, तो ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। मैं वीडियो तो बना देता हूँ लेकिन मेरा थोड़ा ड्यूटी
होने के कारण मेरे को टाइम से नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको मतलब बता देता हूँ कोई भी अपडेट होती किसी भर्ती को लेकर। तो ये परमानेंट भर्ती है और सिविलियन की पोस्ट है, और इसमें नेशनल पेंशन जो नई न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर में आते हैं, एनपीएस सिस्टम में आते हैं न्यू पेंशन स्कीम में। अभी काफी दोस्तों को ये डाउट है सर क्या फायरमैन की मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे फायर से रिलेटेड। वैसे तो उन्होंने मतलब मैं रिटन टेस्ट में तो आपके कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन अगर आपका वाइपा हो जाता है तो उसके अंदर फायर के क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और मैंने आपसे मतलब प्रोमिस भी कर रखा था मैं वीडियो लेके आऊंगा पूरा एक कोर्स का, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिल पाया, एक दो दिन बीच में मिले थे, मैं एक गेम खेलने चला गया। तो गेम खेलते टाइम जब हम टूर्नामेंट खेल के लौट रहे थे तो मेरे मतलब रास्ते में बाइक से एक्सीडेंट हो गया दो दोस्तों का, तो उनके चोट लगी, उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, मेरे को फिर टाइम नहीं मिला उन्हीं के मतलब इधर उधर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में टाइम चला गया दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो लेकिन अभी मैं जल्दी वीडियो बना भी दूंगा, मेरे पास बुक्स वगैरह भी है आपको मैं दिखा देता हूँ, फायर से रिलेटेड बुक्स है, मैं पढ़ता हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं एक फायरमैन होने के नाते मेरे को नॉलेज होनी चाहिए फायर की। ये नहीं मैं फायरमैन लग गया बस तनख्वाह ही है बस काम चल जाए, लेकिन नहीं, आपको आपके ट्रेड टेस्ट का काम पाना चाहिए आपको अगर अपनी इज्जत मतलब अपने स्टाफ में इज्जत बनाए रखनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास बुक्स है, इंग्लिश की बुक को पढ़ रहा है तो ये फायर इंजीनियरिंग की है, अभी फ्रंट कैमरा चल रहा है तो इसमें आपको वो लग रहा होगा ये फायर इंजीनियर की है। ये सारी इंग्लिश में मिलेगी आपको, ये सारी इंग्लिश में, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये पढ़ लेता हूँ तो इसमें मेरे को ठीक लगता है। ये फायर इंजीनियरिंग की है बुक्स जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये जो DRDO होती है ये DRDO वालों की है, ये पूरी हिंदी में है ये बुक, वहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं लेकिन मैं एक दोस्त से लेके आया हूँ मेरे पढ़ने के लिए, तो ये पूरी हिंदी में है। जिस दोस्त को मैं क्या है जो टेलीग्राम वो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना उसके ऊपर मैं इसकी फोटो खींच के जो मेन मेन पॉइंट है ना उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। आप पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, जिस टाइम मैं एक पूरी मतलब 30-40 मिनट की पूरी क्लास बनाऊंगा ना अगर वो आप देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है मतलब डिफेंस में फौज को, मतलब जो बाकी यूनिटों वगैरह में जाता था तो मैं मतलब पढ़ाता था तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं यूट्यूब वगैरह वीडियो भी ठीक ठाक बना लेता हूँ। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा, और फिर भी कोई दोस्त बोलेगा मेरे को इसकी वो PDF चाहिए मेरे को तो मैं PDF भी दे दूंगा जो चीज़ें आपके काम की होगी। और ये बुक है इसमें मेरे फ्रंट पेज पे मेरा थोड़ा पर्सनल डाटा लिखा हुआ है मेरा, ये बुक है ये जो गाड़ी होती है ना TF उसको लेके हर एक चीज दी हुई है उसके अंदर, आप अगर देखोगे ये टैंक कितना है ये है गाड़ी के मतलब लीटर का वो सब डाटा दे रखा है आपको इसके अंदर, सब मिलेगा आपको गाड़ी के पीछे का उनका। तो ये सारी चीजें भी मेरे पास बुक्स है तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं आपको मतलब एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा थोड़ा सा जब भी मैं डिजिटल बोर्ड पे जाऊंगा ना, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ये सारी बता दूंगा। अब हम लौटते हैं एडमिट कार्ड, काफी दोस्त बोल रहे हैं एडमिट कार्ड कब तक आएंगे ASC के, तो एडमिट कार्ड को लेके मैं आपको बता दूं दोस्तों, एडमिट कार्ड अभी 2 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, और आपने इंडियन नेवी की भी देखे और ट्रेड्समैन की भी जो भर्ती चल रही थी उसमें भी 1 महीने का टाइम लगा था आपके, जो 2 फरवरी लास्ट डेट थी 2 फरवरी से 2 मार्च मतलब मार्च के 1 महीने 20 से 25 दिन के अंदर आपके जो डाक वगैरह पहुंची है उनकी कंटनी छंटनी की जाएगी, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने शुरू होंगे। तो 1 महीने के बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, मतलब चांस है 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं आने वाला, 1 महीने के बाद आपके मतलब हो सकता है 50 दिन 60 दिन 1.5 महीना भी लग जाए उसके बाद आपके पास मतलब आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आपके पास तैयारी करने के लगभग 2 महीने मान के चलो, आपके पास 1.5 से 2 महीना है आप अपनी फिजिकल की रिटर्न की जो भी तैयारी है वो कर सकते हो। तो यही है मेन बातें, और जो जिस दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर ले, और जो उड़ीसा वाली वीडियो है मैंने दोस्तों बोला तो आज शाम को प्रोवाइड करा दूंगा, और क्या है हरियाणा में जो मतलब काफी दोस्त है ना हरियाणा के राजस्थान के जो भी नॉर्थ यूपी के है जो नॉर्थ साइड के है ना उन्होंने वो उस समुन्द्र में क्योंकि वहां पे जो भर्ती हो रही है उस वहां पे समुन्द्र पड़ता है पास में, उस समुन्द्र में क्या नाम आ गया उसको जोड़ समुद्र रखा है जो अपने भैंसों वाला होता है वो जोड़ समुद्र रखा है, मतलब फुल इंजॉय करें जिसकी फिजिकल हो चाहे ना हो लेकिन इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं है, उनको लग रहा है 2-3 हज़ार रुपये खर्चा किया उसको पूरा हक लेके आना है। तो
तो वहां पे आपको मैं वीडियो देख लेना, आप वीडियो भी मिल जाएगी मेरे चैनल पे, प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लेना कितना, मतलब फिजिकल नहीं हुई है, काफी दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों फिजिकल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इंजॉयमेंट पूरा चल रहा है। तो वो वीडियो में मैं आपको जल्दी ही दिखा दूंगा। तो जिस दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जो फिजिकल वगैरह वीडियो देखना चाहता है वो फिजिकल की वीडियो देख लेना। और फायर से रिलेटेड वैसे तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे आपसे फायर की से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, लेकिन मैं जल्दी पूरे कोर्स की वीडियो आपको भेज दूंगा, ताकि आप मतलब थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन आपके आ जाए, कोई हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ बेसिक से पूछे जाएंगे कितने प्रकार की होती है डीसीपी एक्सटीब्यूशन, कैसा मतलब क्या होता है फॉर्म वाले एक्सटीब्यूशन में, फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये नॉर्मली अगर ये झोपड़ी में आग लग जाओगी लग जाएगी तो आप क्या करोगे, अगर तेल की आग है तो उसमें पानी डालोगे कि नहीं डालोगे, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपके मतलब आईक्यू लेवल चेक कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा इसमें वो महाभारत वाली बात नहीं, मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ। और जिस दोस्त ने अभी तक हमारा मतलब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, वो जल्द ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड भी करा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। अभी काफी दोस्त बोल रहे हैं सर ये बुक कहाँ मिलेगी, ये कोर्स की बुक है दोस्तों, ये मतलब ऐसे मार्केट में नहीं मिलने वाली। तो मैं पीडीएफ जो मेन पॉइंट होंगे उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जैसी कोई अपडेट आई तो आपको बता देंगे, और 2 महीने तक आप एएससी के एडमिट कार्ड का वेट कर लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए, कट्टा उठाने की जरूर तैयारी कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।